तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलू। और टैबलू में पहले हम दो तीन छोटे छोटे चीजों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात टैबलू के ऊपर ग्रैनुलैरिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैनुलैरिटी पे बात करते हैं। मतलब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, एक छोटा सा डेटा मान लीजिए कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ, डेटा मैंने लिया और डेटा को हमने यहाँ से मतलब कि हम रिपोर्ट्स की ब्रेकअप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई डेटा हम अगर यहाँ से रखते हैं, कोई डेटा के ऊपर हम रिपोर्ट्स बनाते हैं जी, तो जैसे मान लीजिए कि हमने ग्रांड टोटल लिया जी, यहाँ से क्वांटिटी लिया और क्वांटिटी को हमने रख दिया, नंबर आ रहा, मान लीजिए कि इसको हम कोई एक डॉट लाइन या कोई एक चीज पर करें तो इसकी ब्रेकअप क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी को मान लीजिए हमने ऊपर यहाँ पे रख दिया, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो रिपोर्ट दिख रही है वो सिंगल दिख रही है, राइट जी। अब मुझे इस रिपोर्ट को ब्रेकअप चाहिए, तो ब्रेकअप किसके बाद चाहिए, तो मुझे नेम वाइज ब्रेकअप चाहिए, तो मैंने नेम को उठाया और नेम को रख दिया, ये देखिए नेम वाइज आपके ब्रेकअप्स आ गए, ठीक है। अगर बबल्स में रखूं तो ये आपके बबल्स में दिख जाएगा, ठीक है सर जी। तो ये आपके कलर वाइज हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने एक रिपोर्ट यहां से उठाया और अभी क्या है, ये सिंपल है, किसी की अकॉर्डिंग ब्रेकअप नहीं है, तो आपको ब्रेकअप चाहिए। तो ब्रेकअप के लिए दो तरीके, एक तरीका है कि आप नेम को उठा के अगर कॉलम में रख दिया तो मेरा रिपोर्ट कॉलम वाइज आ गया, आ गया जी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमारे अलग अलग पार्ट बन गया कॉलम, तो अगर मैं कॉलम वाइज नहीं लगाना चाहता हूं तो मैं इसको उठाया और हमने उसको कलर्स में रख दूंगा तो कलर वाइज ब्रेकअप हो जाएगा। कलर देखते हैं तो हम नेम इसको उठा के अगर हमने इसमें लेबल में रख दिया तो फिर इसके सारे लेबल्स बन जाएंगे जी जी जी, ठीक है, इस तरह से। अगर हम लेबल में ना रखें, अगर मान लीजिए ये आपका साइज है तो ये कलर लेबल दो चीज समझ गए जी हाँ। अगर मैं उसको उठा के अगर मैं साइड में रखता हूँ तो यहाँ जी, अब साइड में भी रख दिया और मैं नेम को उठा के वापस मैं लेबल में रख देता हूँ, तो ये चीज आपको देखेगा कि योगेश सबसे हाईएस्ट में था, उसके बाद उदय था, उसके बाद टीटू था, उसके बाद आपका टीना था, पूजा था, तो जैसे हमारा हाईएस्ट से ऊपर जो ऊपर की तरफ रहता है, मतलब इस ए मतलब पिरामिड टाइप का बन गया। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट आपका, मतलब आपका सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 1652 इंदर है और आपका 1547 योगेश है, तो ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है पिरामिड की। इसी को और ब्रेकअप में चाहिए तो मान लीजिए मैंने इसको सेल्स मोड को उठाया और कलर में रख दिया तो सेल्स मोड के अकॉर्डिंग एक कलर में इंडिविजुअली होगी, ठीक है। या फिर मैं सेल्स मोड को लिया और सेल्स मोड को हमने कॉलम में रख दिया तो आपका ये अलग अलग डेटा कॉलम पर बन जाए, समझ गए सर जी हाँ। हो गया, अब एक टॉपिक आपका ये हो गया, अब दूसरी टॉपिक की बात करती है, वो बात होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमने आपको इंपोर्ट के बारे में बहुत बताया, अब आगे से बढ़ने से पहले हम एक्सपोर्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब कि आप अपने इस डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, समझ गए
तो इनपुट बन गई या डैशबोर्ड बन गई, डैशबोर्ड भी हो सकती है। तो डैशबोर्ड तो पता ही है वो कैसा इनपुट बना के डैशबोर्ड में अरेंज करना होता है, तो उसको हम एक्सपोर्ट कह सकते हैं। तो सबसे हम फाइल मेनू बार में आते हैं। तो फाइल मेनू बार में यहां आपके पास दो चीजें हैं, पहला है सेव टैबलू पब्लिक, समझे? मतलब कि हमने बताया कि टैबलू के दो वर्जन है, टैबलू डेस्कटॉप और टैबलू पब्लिक है। अभी जो ओपन कर रखा है टैबलू पब्लिक ओपन कर रखा है। तो अगर सेव एज ए टैबलू पब्लिक किया तो मतलब क्या हुआ कि सेव पब्लिक फॉर्मेट में चला गया, एक इसको हर कोई ओपन कर सकता है जिसके पास टैबलू पब्लिक का एप्लीकेशन है, समझे? ठीक है। लेकिन अगर सेव एज ए पब्लिक एज ए कर दिया हमने, तो इसको आपको मतलब कि ये आपका चला जाएगा वेब पे। इसके लिए यहाँ पे आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं एक बार लॉगिन करता हूँ। एक रुक जी, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा मेरी इसका आईडी को। प्रोफाइल 6 दिसंबर को आया हुआ था। यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया exp1 और हमने इसको कर दिया सेव। ये अब ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारा चला गया टैबलू के ऊपर, टैबलू मेरी उस प्रोफाइल में आ गया। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है।
यहाँ रिपोर्ट आ गया एक्सपी वन। अगर मैं इसी जो हमारा है इसी को अगर रिफ्रेश करूँ तो मुझे रिपोर्ट मेरा दिख जाएगा। यहाँ आ गया, मेरा प्रोफाइल दिख रहा है आपको सुजीत। अब मैं इस रिपोर्ट को, चाहे ये भी पहले से रिपोर्ट है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ टैबलो वर्कबुक में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, या फिर इसको व्यू कर सकता हूँ यहीं पे मैं अपनी रिपोर्ट को। राइट सर, या मैं इसको शेयर कर सकता हूं किसी थर्ड पर्सन को इसकी लिंक के साथ। इसको मैं यहां से डाउनलोड कर सकता हूं या इसको फुल स्क्रीन में देख सकता हूं। तो तीन चार चीजें यहां पे हमारे पास, टैब्लू जब हमारा रिपोर्ट ऑनलाइन जाता है तो यहां पे दिखता है। एक तो हो गया पब्लिक में सेव, इन टू सेव एज करके वहां पे हमने डाटा पास किया। हमने सेव एज बताया आपको, जैसे जी आपने देखा कि जैसे मैंने आपको फाइल पे गया, एक तो सेव एज सेव टैबलू पब्लिक, क्योंकि टैबलू के फाइल में आपको सेव कर देगा जी। तो डेस्कटॉप के ऊपर दिख रहा आपको यहाँ पे, मैं एक लोकेशन में, दूसरा सेव पब्लू एज मतलब कि ये सीधे आपके सर्वर पर ले जाएगा, वहां फाइल को आपको सेव कर। लेकिन मैंने जो टैबलू पब्लिक ओपन कर रखी है इस कारण से ये हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी टैबलू का डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर रहा हूँ, टैबलू पब्लिक में। डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है टैबलू और टैबलू इसमें। तो आप ये चीज पता चल गया कि आपकी टैबलू पब्लिक और टैबलू डेस्कटॉप में कितने सारे दिक्कत, कितने सारे नए समानता है। टैबलू पब्लिक में आपने कुछ ऑप्शन देखे थे, लेकिन टैबलू डेस्कटॉप के सामने आप इसको सेव कर सकते हैं, आपका रिवर्ट है एक्सपोर्ट एज ए और वर्जन में करना चाहे एक्सपोर्ट, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे फीचर्स है, प्रिंट टू पीडीएफ है, तो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप रिपोर्ट रिपोर्ट को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और लॉग इन करके, जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है, आप रिपोर्ट को शेयर भी कर सकते हैं, जो कि कुछ पर्सन टैबलू वर्जन स्टोर ना करें तो इसका यूज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ से शेयर कर दिया, तो शेयर दो चीज़ है कि अगर आप किसी वेबसाइट या वेब पेज पे एम्बेड करना चाहते हैं तो एम्बेड भी कर सकते थे, आपको पूरी एम्बेड कोड की स्क्रिप्टिंग मिल जाती है। या फिर आपको एक पेज चाहिए एचटीएमएल पेज, तो मैंने एचटीएमएल पेज दे दिया। अगर आप किसी और ब्राउजर पे आता हूँ, इस ब्राउजर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैंने यहां पे देखिए ये हमने ओपन किया टैबलू, तो मुझे यहां साइन इन नहीं कर रखा, मुझे रिपोर्ट आपको दिख रही है, दिख रहा है सर? यहां भी मैं सारे फिल्टर्स लगा सकता हूं, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये सारे फिल्टर्स यहां भी मैं मेरे रिपोर्ट्स के फिल्टर्स जो है मैं यहां पे लगा सकता। ये पूरा वर्क जैसे टैबलू में वर्क करता है, समझे सर? यहां से एक चीज और है कि मैं यहाँ पे गया और शेयर था हमारे, शेयर है रिपोर्ट, शेयर है व्यू है। मैं बैक टू प्रोफाइल पे आता हूँ अपना, और इस रिपोर्ट का जो व्यू हुआ है, रिपोर्ट कितना देखा गया है, रिकॉर्ड भी यहाँ आपको दिख जाता है, रिपोर्ट किसने बनाया है उसका लिस्ट आ जाता है। अभी आइकन स्तर बन के आ रहा था ना सर,
याद आएगा सर, मन के आ रहा था लेकिन जैसे मैंने आज ही मैं पब्लिकली शेयर कर दिया, इस कारण से नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्यों। हाँ हीरा, फोकल विजुअल रिजिप्टू। अच्छा यहाँ पे एम्बिंग आर नॉट इफेक्टेड फॉर योर विजुअल स्टेटिंग, ये अलग चीज़ है। यहाँ इस पे नहीं दिख रहा है हमारा, मेरे क्योंकि मेरा लॉगिन प्रोफाइल है, देखिए लॉगिन है लेकिन ये वाली प्रोफाइल नहीं है सर, डायरेक्ट मैं लिख मेरा प्रोफाइल पब्लिकली कोई खोल रखा है, बट यहाँ पे मेरा प्रोफाइल लॉगिन है दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने इसको अगर चेक कर दिया तो मेरे प्रोफाइल में जो मेरा पब्लिक प्रोफाइल है उसमें मेरा रिपोर्ट और नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने जो रिपोर्ट अभी शेयर किए हैं वहां पे ये रिपोर्ट मेरा दिखेगा क्योंकि वो विजुअल इफेक्टेड नहीं है। ठीक है सर, और कितना व्यू हुआ है सारा रिकॉर्ड आपको यहां पे आएगा। हेलो, जी कितना व्यू हुआ है सारा रिकॉर्ड इसमें, सारा रिकॉर्ड इसमें। सॉरी दिक्कत नहीं जैसे कि ये मैं बता रहा था कि ये जो आप देख रहे थे मेरा, ये हमारा पब्लिकली है, ये लॉगिन इसमें नहीं है हमारा है। ये आप ये लिंक में आप जी तो आप भी मेरी इस प्रोफाइल को देख सकते हो, ये पब्लिक प्रोफाइल है लेकिन यहाँ मैं लॉगिन हूँ देख रहे हैं, मैं दो रिपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे रिपोर्ट जी दूसरी क्यों नहीं दिख रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको व्यू को अनव्यू कर दिया था, लेकिन जिसको मैंने लिंक कर रखा है एम्बेड कर रखा है वो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि विज टू अदर व्यूइंग प्रोफाइल और सर्चिंग नोट शेयरिंग एम्बेडिंग इज नॉट इफेक्टेड बाय योर विजिबिलिटी सेटिंग। तो जो हमारा शेयरिंग है और जो हमारा एम्बेडिंग है वो इफेक्टिव नहीं होता है, उसको वो विजुअल अनविजुअल नहीं होता है। ठीक ठीक है, क्लियर है। उसको अनचेक करेंगे तो दिखेगा हाँ इसको अनचेक कर देंगे तो मेरे जो अब जो है मेरे यहाँ पे इस प्रोफाइल पे दिख जाएगा, आ गया जी? ठीक है क्लियर है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम चीज क्लियर तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, हम कल के डेट में आपको क्लासेस में जी फिल्टर वगैरह भी तो मैं क्लास करा चुके हैं आपको, बोलो। हाँ फॉर्मेट वगैरह, साइज वगैरह, कलर वगैरह, लेवल वगैरह, टूल टिप्स, सैप्स, डिटेल्स, फॉन्ट अलाइनमेंट, शेडिंग, बॉर्डर्स, ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में कराएंगे आपको। ठीक है, ओके।